गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम सीए फाइनल मई 2014 में क्वेश्चन नंबर 4A के फॉर्म में आई हुई है। पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम है। PQR लिमिटेड स्पेशलाइज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इट बाइज फ्रॉम फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड रीसेल टू ईच ऑफ द थ्री डिफरेंट मार्केट्स। ये तीन इसकी मार्केट्स हैं। द कंपनी प्लान्स टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर एनालाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये डाटा दे रखा है मार्च 2014 का। एवरेज सेल्स है, एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स गुड सोल्ड है, नंबर ऑफ डिलीवरीज है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, एवरेज नंबर ऑफ कार्टन शिप्ड पर डिलीवरी है। ओके, एवरेज नंबर ऑफ, ये एवरेज होना चाहिए, शेल्फ स्टॉकिंग पर डिलीवरी। ओके, ये इन्होंने डिटेल दे रखी है। ये एक्टिविटीज के एरियाज हैं और उनकी कॉस्ट दे रखी है टोटल। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आप जानते हैं कि सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल बनाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ओके, सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल। यहां पर हमारा नाम आता है एक्टिविटी का, उसकी अमाउंट, बेसिस, क्या बेसिस हमने लिया है, नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स एंड इसके बाद रेट। एक्टिविटी अमाउंट बेसिस नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर एंड ये है कॉस्ट ड्राइवर रेट। ठीक है, चलो जो एक्टिविटीज हैं, एक हम वर्किंग नोट बना लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, चलिए एक्टिविटीज लिख लें जरा। एक्टिविटी है हमारी कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, नंबर टू कस्टमर स्टोर डिलीवरी, नंबर थ्री है कार्टन्स डिस्पैच्ड टू कस्टमर और नंबर फोर एक्टिविटी है सेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर। अमाउंट लिख लें जल्दी से, ये कितनी है, 591750, यह 960,000, यह 792135 और लास्ट है 80240। तो यहां पर बेसिस क्या होगा, यहां पर हम लिखेंगे बेसिस नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ डिलीवरी, नंबर ऑफ कार्टन्स डिस्पैच और नंबर ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग आवर्स। अब हम ये वर्किंग नोट बना लें। एक तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखें कितने हैं,
1,000, 2,650, 9,500। तो यह है 13,150। जब हम इसको करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 45 रुपीज। दूसरा है नंबर ऑफ डिलीवरीज, ऐड करें 960 प्लस 2,470, 8,570, तीनों का टोटल 12,000। 12,000 यहाँ लिखते हैं तो ये 80 रुपीज आ जाएगा। 9,60,000 डिवाइडेड बाई 12,000। तीसरा है नंबर ऑफ कार्टन्स, यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ये जो एवरेज नंबर ऑफ कार्टन जो दिया है ये एक डिलीवरी का है, तो इसमें हमें डिलीवरी से मल्टीप्लाई करके टोटल कार्टन निकालना पड़ेंगे। ठीक है, 250, 75 एंड 12 है, तो 960 इंटू 250, 2,470 इंटू 75 प्लस 8,570 इंटू 12, इनका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 528,090। तो ये आ जाएगा हमारा 1.5 रुपए कार्टन का। और चौथा है नंबर ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग आवर्स, ये इन्होंने बताया था पर डिलीवरी, तो ऐसे ही इसको करेंगे 960 इंटू 2 प्लस 2,470 इंटू 0.5 प्लस 8,570 इंटू 0.1, इसका टोटल आ रहा 4,012। तो ये आएगा मेरा 20 रुपीज पर आवर्स। ठीक है, अब मुझे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनेगा, ये मेरे पास तीन ऑर्डर्स, तीन डिपार्टमेंट्स हैं, पहला डिपार्टमेंट है जनरल सुपरमार्केट, दूसरी है ड्रग स्टोर, और तीसरी है केमिस्ट शॉप। सेल, सेल इन्होंने बताया था 96,500, ये एवरेज सेल पर डिलीवरी है, तो करें 96,500 इंटू 960, इसका टोटल हो जाएगा 926,40,000। ऐसे ही लेस करेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये थी मेरी 94,650, इसको करेंगे तो ये आ जाएगी मेरी, ऐसे ही आगे करते हैं, ये 32,450 इंटू 2,470, ये वैल्यू आ रही है मेरी 801,51,500, और यह 31,800 इंटू 2,470, ये वैल्यू आ रही है 785,46,000। तीसरी वैल्यू है मेरी 6,225 इंटू 8,5,70, 5,334,8,250, और चौथा ये है 5,950
इंटू 8570, ये वैल्यू है 509,91,500, ठीक है। लेस एंड माइनस करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में पहला है हमारा कस्टमर परचेज ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर। तो कस्टमर ऑर्डर यहां पर देखिए कितने थे, ₹45 पर ऑर्डर की मेरी कॉस्ट आई थी, इसमें 1000 थे, इसमें 2650 और इसमें 9500। 1000 इंटू 45, 2650 इंटू 45, 9500 इंटू 45। दूसरा था मेरा कस्टमर स्टोर डिलीवरी, कस्टमर स्टोर डिलीवरी मेरी ₹80 पर डिलीवरी थी, तो 960 इंटू 80, 2470 इंटू 80 एंड 8570 इंटू 80। तीसरी थी कार्टन्स डिस्पैच की है जो मैंने, तो कार्टन डिस्पैच करने पे जो वैल्यू मेरी आ रही थी वो थी 960 इंटू 250 इंटू 1.5, 2470 इंटू 75 इंटू 1.5 एंड 8570 इंटू 12 इंटू 1.5। और चौथी थी मेरी सेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट, सेल्फ स्टॉकिंग में 960 इंटू 2 इंटू 20, 2470 इंटू 0.5 इंटू 20, 8570 इंटू 0.1 इंटू 20, ठीक है। चलिए अब जरा कैलकुलेशन कर दें, ये वैल्यू आ रही है, इसको मैं डिफरेंट कलर से करता हूं याद रहेगा, ये इसकी वैल्यू आ रही है 45,000, इसकी वैल्यू आ रही है 76,800, इसकी वैल्यू आ रही है 3,60,000 और ये वैल्यू आ रही है 38,400, इसकी वैल्यू है 119,250, इसकी वैल्यू है 1,976,000, ये वैल्यू है 277,875 और ये वैल्यू है 24,700, इसकी वैल्यू है 427,500, इसकी वैल्यू है 685,600, इसकी वैल्यू है 154,260 और यह 17,140, ठीक है। तो ये सबको माइनस कर दें तो जो नेट इनकम आएगी, सबको माइनस करने के बाद 12,55,800, 986,075, 1,072,250। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन में हो सकता गलती हो, कोशिश ये रखी गई है कि गलती ना हो, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। और कुछ पूछा था इन्होंने क्या, जरा एक बार देख लो, इन्होंने ऑपरेटिंग इनकम पूछी थी, तो ये हम ये जो नेट प्रॉफिट है यही हमारी ऑपरेटिंग इनकम है,
ठीक है सर। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था बट कैलकुलेशन वर्क ज्यादा था। गुड डे, थैंक यू।